हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वाले चैनल में स्वागत है। जैसे कि आज हम सॉर्टिंग इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है आपकी, जिस इस टाइप की फॉर्म है, आज मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेई में मिल जाते हैं, 12th क्लास में मिलते हैं, काफ़ी और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पीजीटी वगैरह, डीएसएसवी पीजीटी हो गया, यूपी पीजीटी, उस टाइप के यहाँ इंटीग्रेशन आपके मिल जाते हैं। तो आप उनको विद इन कुछ सेकेंडों में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको लीनियर फॉर्म भी बताई है उसको कैसे सॉल्व करना है, और क्वाड्रिक फॉर्म भी बताई, एक स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रिक फॉर्म भी बता चुका हूँ मैं आपको कि वो कैसे सॉल्व होती हैं। उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आइए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करता हूँ। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से π/2 लिमिट sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx, तो इसका जो आंसर आएगा निकल के आपका π/4 ही निकल के आएगा, 100% π/4 ही आएगा। यदि आपको इस टाइप की फॉर्म दे दी गई हो, cos x अपॉन cos x इंटू साइन प्लस साइन एक्स दिया हो, तो भी इसका आंसर आपको कितना निकल गया, π/4 ही निकल के आएगा। दरअसल ये π/4 आ कैसे रहा है, अगर आपको रूट में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस cos x लिखा हुआ है, तो भी इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा π/4 ही निकल के आना है। और दूसरी बात एक और है, यदि आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1/(1+√tan x) लिखा हुआ है, या 0 से π/2 लिमिट 1/(1+cot x) लिखा हुआ है अंडर रूट में इंटू डीएक्स, तो भी इन दोनों के आंसर जो निकल के आएंगे π/4 निकल के आएंगे। अब बात आई कि ये π/4 ही क्यों रहेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उसमें भी इनका आपका रूल जो निकल के आया π/4 ही निकल के आएगा। तो आइए मैं इस चीज़ को बता देता हूँ आपको। यदि आपकी फॉर्म जो है इस टाइप से दे रखी है, a/(a+b) की फॉर्म दी हुई है, 0 से π/2 की लिमिट की टर्म में है, ये मेरा है आई। यदि मैं इसको रिजल्ट लगाने के बाद मेरा दूसरा फॉर्म बनता है, आइए मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट जो मेरा बनेगा क्या करना, ए की जगह पे बी हो जाएगा, दिस इतना क्लियर। दोनों को जैसे ही मैं सम करने के बाद ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद में ए प्लस, ये भी आपका आई है, तो आई क्या आ गया, 2i = 0 से π/2 लिमिट दिस a+b/a+b कैंसिल आउट हो गया इंटू dx बचा, dx से सॉल्व करने के बाद में मेरे पास है π/2, तो i कितना आ गया, π/4। एक तरीका तो ये होता है आपको, फर्स्ट मेथड तो ये आता है निकल के। अगर बात करते हैं हम सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड क्या होता है, देखो आप जानते होगे ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, ट्रिक तो आपकी यही होगी, चलिए दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चंस में दिया हो 0 से π/2 की लिमिट cos x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx, मैंने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया आई में, क्लियर। तो अब मैं आपको प्रॉपर्टी लगाता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बोलती है π/2 − x अपॉन, जो एंगल है 0 से π/2 की लिमिट में, तो x में क्या हो जाएगा, π/2 − x हो जाएगा, cos π/2 − x प्लस sin π/2 − x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, = 0 से π/2 की लिमिट cos π/2 − x क्या होगा, AHTC रूल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस का आ जाएगा साइन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आई चल रहा था, दिस सेकंड वाले में भी आई आ गया ये निकल के, ठीक है। यदि मैं इनको दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 2i = 0 से π/2 की लिमिट, देखो नीचे वाला आपका टर्म्स बिल्कुल सेम है, sin x + cos x, दिस cos x + sin x सेम है, तो हमारा एलसीएम आ गया सेम, तो ऊपर ये आपका बचेगा sin x + cos x, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा dx, आपको dx बचा 0 से π/2 लिमिट में है, तो क्या आ जाएगा x 0 से π/2, तो आपको आएगा π/2, लेकिन हमें चाहिए i की वैल्यू, तो आई कितना हो जाएगा π/4, क्योंकि 2i था तो आई कितना हो गया π/4 हो गया। बात समझ में आ गई होगी, ये आपकी ट्रिक होगी। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।